हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन वैलिड पुल बैक के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड हायर हाई एंड हायर लोस के बारे में। साथ ही साथ अपन कुछ रियल लाइफ चार्ट पे एग्जांपल देखेंगे एंड कुछ बैक टेस्टेड एग्जांपल अपन देखने वाले हैं। आज अपना ये चैप्टर फर्स्ट है। ऐसे ही एसएमसी के 10 चैप्टर होंगे जिसमें अपन कंप्लीट एसएमसी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने दो डायग्राम बने हुए, दोनों को वन बाय वन करके समझते हैं कि एसएमसी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, उसमें वैलिड पुल बैक का क्या रोल है। ठीक है, तो आपको समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी मार्केट जो होता है वो डायरेक्टली या तो अपसाइड में नहीं जाता या डाउन साइड में नहीं जाता। मार्केट क्या करता है, करेक्शन करता है। जैसे सपोज करिए मार्केट बाई साइड में जा रहा है इस तरीके से, तो मार्केट का जो ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं करेक्शन पार्ट। क्योंकि मार्केट बाई साइड में जा रहा है तो ये सेलिंग का एरिया क्यों क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो एरिया सेलिंग का क्रिएट कर रहा है इसी को बोलते हैं पुल बैक। तो मार्केट क्या करता है, जब भी अपना हाई और लो बनाता है, ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ, इस पॉइंट ऑफ टाइम से चलना स्टार्ट करता है। तो मार्केट यहाँ पे क्या, एक हाई बनाता है अपना। ठीक है, मार्केट यहाँ से हाई की तरफ जा चुका है एंड मार्केट ने यहाँ पर एक ही अपना हाई क्रिएट किया। ठीक है, जैसे ही मार्केट का हाई बनता है तो मार्केट करेक्शन करने के लिए क्या करता है, डाउन आता है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट डाउन आता है, अपना करेक्शन कंप्लीट करता है, तो अगेन मार्केट क्या करता है, सेम डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, सेम एज इट इज मार्केट क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में वापस मार्केट करेक्शन करने के लिए डाउन आता है। तो मार्केट ने क्या किया, जब यहाँ पे करेक्शन किया तो मार्केट क्या हुआ, डाउन आया एंड वापिस अब डायरेक्शन में चले गया। जब मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन किया तो मार्केट डाउन आया एंड अब डायरेक्शन में चले गया। मार्केट ने इस लो पॉइंट पे आके इस वाले लो को क्रिएट नहीं किया, ना इसको टच किया, ना स्वीप किया, कुछ भी नहीं किया। एंड देन जब मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है यहाँ से, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो मार्केट क्या करता है, इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है। तो हाई ब्रेक करने के बाद ये एक नया हाई बनाता है एंड मार्केट का जब भी ब्रेक होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, कौन सा, ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा, ये वाला, तो मार्केट क्या करेगा, ये अपना लो यहाँ पे क्रिएट कर देगा कि अपना सबसे लो पॉइंट हो चुका उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो मार्केट ने इस वाले लो को भी टच नहीं किया जब ये मार्केट ने हाई बनाया। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट मूव पे अपन बढ़ते हैं कि मार्केट ऐसा करता क्यों है। तो मार्केट क्या करता है, जब भी अप डायरेक्शन में जाता है तो करेक्शन करने के लिए आता है एंड डायरेक्शन में बढ़ता रहता है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा होता है कि मार्केट क्या करता है, अपना करेक्शन करते करते जब डाउन आता है तो रीसेंट वाला जो लो होता है उस लो पॉइंट को मार्केट क्या कर देता है, स्वीप कर देता है, टच कर देता है, या इक्वल लगा देता है, या क्लोज कर देता है। इनमें से अगर मार्केट कुछ भी करता है तो वहां पे क्या होगा कि आपका ये वैलिड हाई कंफर्म होगा। ठीक है, ये वाला एरिया जो वैलिड हाई कंफर्म होगा किस केस में, जब मार्केट रीसेंट वाले लो को लेता है, या तो उसको टच करे या ब्रेक करे या स्वीप करे या इक्वल लगाए, इन चारों में से कुछ भी होता है तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये क्या होगा, ये वैलिड हाई कंफर्म होगा। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट बचते हैं ये भी आपके हाई कंफर्म होंगे, बट मैं वैलिड की बात करूं जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे काम करेगा वो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे एज ए ग्रीन भी मार्क किया हुआ है, तो ये वाला सबसे ज्यादा यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, रीसेंट वाले लो को यहाँ पे लेता है मार्केट, तो ये वाला जो एरिया बनता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, ये आपका वैलिड होगा ज्यादा। ठीक है, एंड अगेन मार्केट क्या करता है, सेम डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है। तो मार्केट क्या करेगा, इस हाई को तो डेफिनेटली ब्रेक करेगा तभी सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको मार्केट जब भी ब्रेक करेगा तो आपका क्या होगा, ये हायर हाई और ये लोअर लो। मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, लोअर हाई वगैरह कुछ नहीं लिखा है था, डायरेक्ट हायर हाई एंड लोअर लो। तो ये आपका एक वैलिड पुल बैक बनेगा जिसकी मार्किंग आप कुछ इस तरीके से करेंगे। तो यहां पर मैं अगेन प्रेजेंट कर देता हूं मार्किंग कैसे होगी इसकी। यहां पे आप इसकी मार्किंग कुछ इस तरीके से करेंगे, तो ये आपका वैलिड क्या होगा, पुल बैक होगा। ठीक है, और ये वाला लो पॉइंट आपका कन्फर्म हो चुका होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि वैलिड पुल बैक क्या होता है। इसको चार्ट पे भी अपन देखेंगे, बट एक और स्ट्रक्चर है उससे समझते हैं। आपका मार्केट क्या होता है, कुछ इस तरीके से हाई बनाता है एंड करेक्शन करने के लिए डाउन आता है। अब डाउन मार्केट आया तो डाउन आने के बाद वापस मार्केट क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में गया, तो मार्केट ने क्या किया, ये वाला हाई ब्रेक कर दिया।
तो मार्केट जैसे हाई ब्रेक करेगा तो ये वाला हाई तो मार्केट ने अभी तक टच नहीं किया, ठीक है, तो मार्केट अगेन अपना हाई बना देता है एंड मार्केट क्या करता है, सेम डायरेक्शन में डाउन आता है। अब मार्केट डाउन आया तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना जो इक्वल लगा दिया, ठीक है, अपना क्या किया यहाँ पे इक्वल मार्केट ने लो क्रिएट किया। तो इस पॉइंट को आप बोलेंगे एज ए आईडीएम, क्योंकि जब भी मार्केट रीसेंट वाले पुल बैक को टच करे, ब्रेक करे, स्वीप करे, कुछ भी करे, तो वो आईडीएम बन जाता है। बट आईडीएम का टॉपिक मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वैलिड पुल बैक का। तो इसमें टॉपिक आया जो कि सेकेंड आईडीएम रहेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ अभी, सिर्फ आगे भी और पढ़ाऊंगा। तो क्या हुआ, जैसे ये कंफर्म हुआ तो ये क्या होगा आपका, ये हाई, यहाँ पे ये हाई कंफर्म हो चुका है। अब ये हाई कंफर्म हो गया, अब लो कैसे कंफर्म होगा, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ये पॉइंट क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद वापस मार्केट सेम डायरेक्शन में जाता है और इस वाले को ब्रेक कर देता है हाई को। अब जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा मार्केट, तो क्या होगा कि जैसे हाई को ब्रेक करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है आपका लो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही लो कन्फर्म हुआ तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, लो कन्फर्म होने के बाद मार्केट क्या करेगा, यहां से अगेन मार्केट डाउन आया एंड मार्केट वापिस सेम डायरेक्शन में चले गए, ये मार्केट का लो पॉइंट हो गया। अब देखो फर्क आपको इनमें समझना है कि फर्क एक्चुअल में है क्या। तो इस वाले जब हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, ये वाला हाई क्रिएट किया, तो मार्केट ने रिसेंट वाले लो को टच किया था, स्वीप किया था। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने जब ये हाई बनाया तो इस मार्केट का लो पॉइंट, सबसे पॉइंट लो ये, इसने इस वाले लो को ना तो टच किया, ना ब्रेक किया, ना स्वीप किया, काफी ऊपर से ही चले गया। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका इतना हाईली वर्क नहीं करेगा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया इतना हाईली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, अब मार्केट क्या हुआ, यहां से अगेन डाउन आया, ठीक है, डाउन आने के बाद मार्केट क्या हुआ, वापिस अप गया, लेकिन मार्केट क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, वापिस से सेम डायरेक्शन में डाउन आ जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने अपना एक पॉइंट क्रिएट कर दिया जिसको आप कहेंगे यहाँ पे आईडीएम। क्यों, क्योंकि रिसेंट वाला लो ले लिया। अब लो ले लिया तो जाहिर सी बात है आपका ये नेक्स्ट वाला हाई लेवल भी कंफर्म हो चुका है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका एक और हाई एरिया कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब यहां से मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया एंड देन सेम डायरेक्शन में मार्केट जाना स्टार्ट कर देता है। तो ये आगे वाले जो भी आने वाला केस होगा, जो भी आने वाला चैप्टर होगा, उन चैप्टर्स में अपन पढ़ेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक था वो था वैलिड पुल बैक। पुल बैक के मैंने तीनों चारों केस बता दिए। अब थोड़ा सा अपन चार्ट पे इन चीजों को देखते हैं, ड्रॉइंग्स को समझते हैं कि चार्ट के अंदर मार्केट आखिरकार दिखेगा कैसा, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ए दिया हुआ है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर ए को समझते हैं कि मार्केट कहना क्या चाहता है आखिरकार। तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, ये वाली, ठीक है, ये वाली मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्रिएट, एक मिनट में तो सही कर लीजिए, मार्केट ने सबसे पहले ये वाली एक ग्रीन कैंडल क्रिएट की, इसका हाई और लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका हाई है एंड ये वाला पॉइंट इसका यहाँ पे लो हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, जब भी आपको वैलिड पुल बैक देखना हो तो मार्केट क्या करेगा, रीसेंट वाला जो कैंडल का लो है उसको लेगा तो पुल बैक में काउंट होता है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या हुआ, इसका नहीं लिया। मार्केट क्या हुआ, कैसे चलेगा, यहां से मार्केट यहां से गया और यहां तक गया इस कैंडल तक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड देन यहां पे मार्केट आया, क्या इसने लो लिया, नहीं लिया, तो ये मार्केट यहां पे गया। क्या इस कैंडल ने इसका लो लिया, किसी का भी लो इन्होंने अभी तक यहाँ पे नहीं लिया। तो ये आपका एक डायरेक्ट क्या होगा, ये एक कैंडल आपकी बन चुकी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर सिंगल वेव बनाई, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सिंगल एरिया क्रिएट किया है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने सिंगल वाला एरिया क्रिएट किया, इसको क्रिएट करने के बाद मार्केट क्या करता है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट यहाँ से अप जाना स्टार्ट कर दिया कुछ इस तरीके से एंड मार्केट ने यह हाई बनाया। लेकिन मार्केट ने क्या किया, रीसेंट वाली कैंडल का क्या किया, यहाँ पे लो टच कर दिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्केट ने लो टच कर दिया। तो इसकी मार्किंग का जो पैटर्न है वो कैसे रहेगा, अब वो समझना थोड़ा सा। जब भी मार्केट इस तरीके से रीसेंट वाला लो ले तो यहां से लेकर आपका मार्केट का ये वाला कैंडल का आपका हाई रहेगा एंड ये वाला जो कैंडल का लो रहेगा, ठीक है, ये आपका लो पॉइंट हो गया एंड ये वाला आपका हाई पॉइंट हो गया।
यानी कि इसका जो सिनेरियो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये सिंगल कैंडल का, ये इसका सिर्फ इतना सिनेरियो आपका बनेगा, ठीक है, जो एज अ वैलिड पुल बैक आपका काम करेगा। ये पहला केस हो गया आपका इस तरीके से, क्योंकि इसने क्या किया, रीसेंट वाली कैंडल का लो लिया है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड केस अपन देखते हैं, इसमें क्या हुआ है, इस केस को अब अपन देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है आखिरकार, तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, चलना स्टार्ट करता है इस पॉइंट से, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मार्केट क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है कुछ इस तरीके से, ये अपना एक हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद मार्केट का ये हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसने लिक्विडिटी ले ली। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या हुआ, ये लो बनाया, ठीक है, लो बनाने के बाद वापस मार्केट गया हाई बनाया, तो मार्केट ने क्या किया, ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली, एंड लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये मार्केट वापस आपका डाउन आ गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हो गया जो इसमें वर्क करेगा, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर, जिसमें ये वाला जो हाई है इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस वाली इमेज में क्या हुआ है, देखिए सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, यहां तक अपना एक हाई बनाया। अब ये देखिए, इस हाई से लेकर यहाँ पे बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं इनके बीच में मार्केट ने इंटरनल बनाया ये अपना कैंडल, और ना ही इसका हाई लिया ना मार्केट ने, ना ही इस कैंडल का मार्केट ने यहाँ पे लो लिया है। तो मार्केट ने इसका ना तो हाई लिया है ना ही लो लिया है, मार्केट ने यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया अपना इंटरनल के अंदर शिफ्ट किया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होगा, देखिए ये डायरेक्ट सिंगल वीक होगा इसका, सॉरी ये इसका डायरेक्ट क्या होगा, ओनली सिंगल वीक होगा कुछ इस तरीके से, इसमें कोई भी आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके बीच में बनाना चाहो, आगे पीछे बनाना चाहो, तो कोई सेंस नहीं बनता, वो फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। बट इसका जो रहने वाला है, जो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ओनली ये सिंगल लाइन बनेगी इसकी 4x5। नेक्स्ट इसको देखते हैं अपन, इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले अपना एक हाई क्रिएट किया, ये हाई वाला, उसके बाद मार्केट ने ये लो क्रिएट किया। अब ये जो वाला पार्ट है, इस पार्ट से लेकर ये सारे इंटरनल पार्ट है, यहां तक है सीधा, ठीक है, ये सारे के सारे इंटरनल पार्ट्स। अब इसमें मेन चीज क्या है समझने वाली, देखिए अगर मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर देगा, इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो आपका ये एक और अच्छा खासा वैलिड पुल बैक की तरह काम करेगा, जिसमें आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जैसे ये आपका फर्स्ट वैलिड पुल बैक ये काउंट किया जाएगा, देन अगर मार्केट यहां से नीचे आता तो ये आपका एरिया जो वैलिड पुल बैक ये काउंट किया जाता। तो इस तरीके से आप वैलिड पुल बैक के बारे में पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वैलिड पुल बैक पढ़ने से पहले आईडीएम वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको आईडीएम फाइंड आउट करना आता है तो डेफिनेटली आप वैलिड पुल बैक को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन लाइव चार्ट पे इन चीजों को समझते हैं एंड वहां पे कंसिडर करते हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, यूरो यूएसडी का लाइव चार्ट है, इसी में अपन सारी चीजों को वन बाय वन करके समझते हैं। तो सबसे पहले बाई साइड के लिए समझते हैं कि वैलिड पुल बैक कैसे हुआ एंड कैसे अपन ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट क्या करता है यहाँ पे, ये अपना एक कोई भी हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद मार्केट क्या करता है यहाँ पे लो बनाता है। ये कुछ कैंडल्स होती है जो वापिस ऊपर जाती है यहाँ तक एंड ये वापिस डाउन आ जाती है। अब ये कुछ इस तरीके से मार्केट की ये इंटरनल कैंडल्स हो गई, मार्केट इस हाई तक जाता है। अब इन देख चीजों को आप समझिएगा, मैं डायरेक्ट यहीं से आपको ड्रॉ करता हूं कि ये कैंडल्स आखिरकार रन कैसे होती है। सबसे लो पॉइंट आपका ये कंफर्म हो चुका है ऑलरेडी अपना। तो यहां से मार्केट क्या करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है। अब ये जो दो रेड कैंडल बनी हुई है ये है इंटरनल कैंडल, क्योंकि इन्होंने ना तो इनका हाई लिया है ना इसका लो लिया है। तो आप इसको या तो इनसाइड कैंडल बोलो, या एक कैंडल के बीच में दो तीन कैंडल हो तो इंटरनल कैंडल भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि बीच में आ रही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए इंटरनल कैंडल। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से गया कुछ इस तरीके से इस कैंडल तक,
इस कैंडल ने अपना हाई बना दिया लेकिन लो इसको स्वीप नहीं किया, इसको भी इन्होंने लो स्वीप नहीं किया, तो क्या हुआ मार्केट अप चले गया। तो मार्केट कहां तक चले गया अपना, यहां तक अप चले गया इस पॉइंट तक। लेकिन मार्केट ने क्या किया, रीसेंट वाली कैंडल का क्या कर दिया, यहां पे लो को स्वीप कर दिया। तो देखो लो को स्वीप करे, ब्रेक करे, टच करे, कुछ भी करे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना क्या होगा, इस तरीके से अपना इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये डाउन आ गया। ये करेक्शन करने के लिए यहाँ पे मार्केट आया, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, और ये रियल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देन नेक्स्ट अगेन मार्केट क्या करता है, सेम डायरेक्शन में ये अपना हाई बनाया मार्केट ने, एंड मार्केट ने क्या किया, रीसेंट वाली कैंडल का यहाँ पे लो ले लिया, ठीक है। तो इसकी मार्किंग कैसे होगी, इसकी मार्किंग कुछ इस तरीके से ये होगी, ठीक है। एंड मार्केट क्या हुआ, वापिस ऊपर गया और मार्केट ने क्या किया, हाई की लिक्विडिटी को शिफ्ट किया, ठीक है। देखिए अब इनका मैं एक आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एरिया इस कैंडल के अंदर बना है, इस सिंगल लाइन के अंदर, ठीक है। तो आपको कैसे ट्रेड क्लाम करनी है, ये आपका लो पॉइंट हो गया, कब, जब मार्केट ने ये अपना हाई, सॉरी लो क्रिएट किया एंड हाई को ब्रेक किया। हाई ब्रेक का हुआ, इसने सिंगल कैंडल में ये लो बनाया एंड यहाँ पे इसने क्या किया, अपना हाई को ब्रेक कर दिया इस वाली कैंडल पे। ये यहाँ पे स्विप हो गई लिक्विडिटी इसकी, ये लिक्विडिटी इस पॉइंट पे यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, क्यों, क्योंकि इसने ऊपर विग मार दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीप होने के बाद यहाँ इन्होंने कैंडल क्लोज की इस कैंडल के ऊपर, ग्रीन कैंडल पे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अपना हाई ब्रेक किया। तो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ तो आपको क्या करना है, इस लो का वेट करना है कि मार्केट यहां से आए डाउन, इस लो को टच करे। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में अगेन चले गया एंड ये हाई ब्रेक कर दिया। तो आपको जैसे हाई ब्रेक करना है स्विप करते हुए चले जाना है, ठीक है। अब देन मार्केट ने क्या किया, इस वाले लो पॉइंट को यहाँ पे स्विप कर दिया। तो अब अपन किसका वेट करेंगे, इस वाले लो पॉइंट का। तो यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, इसको स्विप किया। तो लेटेस्ट वाले पॉइंट को जब भी मार्केट स्विप करेगा उसको आईडीएम बोलेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, या कैंडल क्लोज करे, टच करे, इक्वल लो लगाए, या हो सकता है कभी कभार क्या होगा, मार्केट इसके थोड़ा सा ऐसे नीचे जाएगा, नीचे जाके देन अप जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना एक आईडीएम पॉइंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आईडीएम क्रिएट किया मार्केट ने, तो अब अपने को किस चीज का वेट करना है, आईडीएम क्रिएट करने के बाद इस वाले हाई को मार्केट ब्रेक करे, जो कि मार्केट ने यहाँ पे जाके अपना हाई भी ब्रेक कर दिया, जिसको अपन रियल बॉस बोलते हैं। ये आगे पढ़ाऊंगा, मैं आपको समझाने के तरीके से बता रहा हूँ। तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो ड्रॉ होगा वो कैसे होगा, मार्केट ने क्या किया, इस वाले लो पॉइंट को टच किया एंड मार्केट अप गया। तो आपको मैंने जो ड्रॉ करके दिखाया था रेंडम, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका होगा रियल हाई, जिसको मैंने ग्रीन भी मार्क किया था, अगर आपने देखा हो तो। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो देख करके दे सकते हो, ये वाला आपका रियल हाई होगा। अब इस हाई को अगर मार्केट आपका ब्रेक कर देता है तो ये वाला पॉइंट जो है आपका लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, ये आपका लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट क्या होगा, रन होता रहेगा अगेन एंड अगेन। अब मार्केट ने क्या किया, देखिए यहां पे मार्केट आया, लो गया, अप गया, मार्केट ने लो लगाया एंड मार्केट का डायरेक्ट मैं यहां पे दिखा देता हूँ। पहले इस तरीके से इसने ड्रॉ किया अपना स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से इसका ड्रॉ हुआ। तो मार्केट ने ये भी हाई नहीं लिया, ये भी लो नहीं लिया, ये वाला लो बन गया मार्केट का। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट यहाँ पे डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया। अब ये वाला लो पॉइंट अपने पास बच जाता है, रिसेंट वाला लो जो कि ये वाला पॉइंट है। अब यहां से देखते हैं, तो मार्केट ने इसको लिया, ये आईडीएम होगा आपका, तो ये क्या होगा, ये भी आपका आईडीएम होगा, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ कि यहां से कुछ इस तरीके से हल्का सा इंटरनल में स्ट्रक्चर बनाया एंड मार्केट क्या हुआ, डाउन आया। अब डाउन आने के बाद मार्केट क्या किया, वापिस सेम डायरेक्शन में गया,
और मार्केट ने क्या कर दिया, इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया। अब आप बोलोगे आप ये वाला हाई क्यों नहीं लिया आपने, तो इसका रीजन बता देता हूं मैं, क्योंकि आपका मेन हाई जो है वो ये वाला पॉइंट है, राइट। अब इस हाई को मार्केट बनाने के लिए जब बना रहा, जब मार्केट डाउन आ रहा था, तो आपको पता है कि या तो ये पॉइंट ले मार्केट या फिर इसको ब्रेक करे, तो ये एक इंटरनल में बनाया इसने मार्केट में, ठीक है, तो इसलिए इसको नहीं लिया जाता इंटरनल वाले को। देन मार्केट क्या हुआ, अगेन डाउन आया एंड मार्केट वापिस अप गया। तो इस तरीके से मार्केट का सिनेरियो चलता रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहां पे आके मार्केट ने क्या किया, अपना क्या ले लिया, आईडीएम ले लिया मार्केट ने, और ये मार्केट ने आईडीएम कुछ डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहां पे हल्का सा बाउंस ब्रेक करता है, ठीक है, और मार्केट सेम डायरेक्शन में चले जाता है। अब अपने को क्या करना है, लो साइड में किस तरीके से देखना है? अब मार्केट का अपन इधर क्या देख रहे थे, बाई साइड के लिए लो देख रहे थे, तो सेल साइड के लिए हाई पॉइंट देखेंगे। तो मार्केट का क्या है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये आपका हाई है। अब मार्केट अगर इसको लेता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको टच करता है, तो इधर अपन हाई कंफर्म करवा रहे थे पहले, तो इधर अपन क्या करवाएंगे, लो कंफर्म करवाएंगे, लोअर लो। तो आपका ये क्या होगा, लोअर लो कंफर्म हो गया। तो जैसे ही लोअर लो कंफर्म होता है, आपका मार्केट क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा और इसको ब्रेक करेगा। इसको जैसे इधर हाई को ब्रेक करवा रहे थे, तो इधर मार्केट ने क्या किया, अगर लोअर लो को ब्रेक किया मार्केट ने, तो ग्रेट, ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है, ये आपका बनेगा बॉस, और ये वाला जो हाई था ये आपका बनेगा आईडीएल, ठीक है, एज पर द रूल जो अपन पढ़ रहे थे अभी, ठीक है, जो कि बाई साइड के लिए बताया था, वो सेम सेल साइड के लिए भी इंप्लीमेंट होने वाला है, ठीक है। अगेन मार्केट क्या करता है, अप जाता है एंड डाउन आता है, वही सेम चीज। अब अपन क्या करते थे सेल साइड में, कि लो पॉइंट ले तो आईडीएम बनेगा, इधर क्या ले, इधर हाई पॉइंट ले तो आईडीएम बनेगा। तो मार्केट ने क्या किया, कि रीसेंट वाला जो पुल बैक था इसको मार्केट ने लिया, ठीक है, तो ये टच कर दिया मार्केट ने। अब जैसे ही टच करके मार्केट क्या करता है, सेम डायरेक्शन में ब्रेक कर देता है। तो इधर हाई की डायरेक्शन में ब्रेक करवा रहे थे, तो इधर अपन क्या करेंगे, लो डायरेक्शन को ब्रेक करवाएंगे। तो लो डायरेक्शन को मार्केट ब्रेक करता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, बॉस कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैलिड पुल बैक को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपका जो वैलिड पुल बैक है वो ये वाला एरिया है, ठीक है, जैसे मार्केट सेल जा रहा था लेकिन ये बाई के लिए जो करेक्शन करने आता है, ये वाला एरिया आपका वैलिड पुल बैक का काउंट करेगा। ये वाले एरियाज आपके काम करेंगे, अगेंस्ट काम करेंगे, बाई जा रहा है तो सेल का देखना है, सेल जा रहा है तो बाई का देखना है। तो आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।